नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं 45 एचपी के दो ट्रैक्टरों का, जिनमें से एक हमने लिया है महिंद्रा का यूवो 575 DI और दूसरा उसका कंपेटिटर है पावर ट्रैक यूरो 45। इन दोनों ट्रैक्टरों के आप लोगों को हम स्पेसिफिकेशन बताएंगे और फीचर्स पर एक नज़र डालेंगे और साथ में ही इन दोनों ट्रैक्टरों के ऑन रोड प्राइस को देखते हुए कौन सा ट्रैक्टर किसान भाइयों के लिए बेहतर रहेगा, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो किसान भाइयों, आप लोगों का टाइम बगैर वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। जी हाँ किसान भाइयों, महिंद्रा यूवो 575 DI और पावर ट्रैक यूरो 45, ये दोनों ही ट्रैक्टर 45 एचपी कैटेगरी में इंडियन ट्रैक्टर मार्केट में किसान भाइयों के द्वारा काफ़ी पसंद किए जाते हैं। अगर बात करें इन दोनों ट्रैक्टरों के लुक की, तो काफ़ी अट्रैक्टिव इन दोनों ट्रैक्टरों का लुक है, लेकिन वो अपनी अपनी पसंद की बात है कि आपको इन दोनों ट्रैक्टरों में से किस ट्रैक्टर का लुक अच्छा लगता है। अगर बात करें इन दोनों ट्रैक्टरों के इंजन की, तो किसान भाइयों, महिंद्रा यूवो 575 DI में आपको 4 सिलेंडर का वाटर कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि 2979 CC का है और 2000 रेटेड RPM पे पूरे 45 HP की पावर देता है और 168 Nm का टार्क यह ट्रैक्टर देता है। वहीं पावर ट्रैक यूरो 45 में आपको 3 सिलेंडर का वाटर कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि 2490 CC का है और 2200 रेटेड RPM पे पूरे 45 HP की पावर देता है और 153 Nm का टार्क देता है। तो यहाँ पे आपने देखा, महिंद्रा यूवो 575 DI में आपको इंजन की CC एक्स्ट्रा मिलती है और ट्रैक्टर का टार्क ज़्यादा मिलता है, जिसका फ़ायदा ये रहेगा कि ये ट्रैक्टर महिंद्रा यूवो 575 पावर ट्रैक यूरो 45 से चढ़ाई वगैरह पे दबेगा नहीं और बेहतर परफॉर्मेंस करेगा हर एक जगह पे। अगर बात करें माइलेज की, तो दोनों ही ट्रैक्टरों का माइलेज लगभग सेम है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। अगर बात करें इन दोनों ट्रैक्टरों के एयर फिल्टर की, तो किसान भाइयों, ये दोनों ही ट्रैक्टर ड्राई टाइप के एयर फिल्टर के साथ में आते हैं, मतलब एयर क्लीनर इसमें आपको ड्राई टाइप का मिलने वाला है। जी हाँ किसान भाइयों, अगर बात करें इन दोनों ही ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन के गियरबॉक्स की, तो दोनों ही ट्रैक्टर में आपको गियरबॉक्स में काफ़ी बड़ा अंतर देखने को मिलेगा और इन दोनों ही ट्रैक्टरों के जो गियरबॉक्स की टेक्नोलॉजी है, फुल कांस्टेंट मेश टेक्नोलॉजी इन दोनों ही ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलेगी और इस टेक्नोलॉजी के जो गियरबॉक्स होते हैं, उनकी गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ रहती है। और बात करें अगर इन दोनों ही ट्रैक्टरों के नंबर ऑफ गियर्स की, तो किसान भाइयों, महिंद्रा यूवो 575 में आपको 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर मिलेंगे, मतलब टोटल 15 गियर के साथ में ट्रैक्टर है और लो मीडियम हाई के साथ में है। वहीं पावर ट्रैक यूरो 45 में आपको 8 फॉरवर्ड गियर और 2 रिवर्स गियर मिलेंगे, मतलब टोटल 10 गियर मिलेंगे और यह ट्रैक्टर लो और हाई के साथ में ही है, मीडियम वाला सिस्टम इसमें आपको नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, अगर बात करें इन दोनों ही ट्रैक्टर की स्पीड की, तो महिंद्रा यूवो 575 की अगर फॉरवर्ड स्पीड की मिनिमम बात करें, तो 1.45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और टॉप स्पीड इस ट्रैक्टर की 30.61 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है। और वहीं पावर ट्रैक यूरो 45 में आपको मिनिमम स्पीड 2.7 किलोमीटर प्रति घंटे की और टॉप स्पीड मैक्सिमम स्पीड 29.2 किलोमीटर प्रति घंटे की मिल जाती है। और किसान भाइयों, अगर बात करें इन दोनों ही ट्रैक्टर की ब्रेक्स की, तो इन दोनों ही ट्रैक्टर में आपको ऑयल इमर्स्ड ब्रेक, मल्टी डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाएगा। स्टीयरिंग की बात करें, तो दोनों ही ट्रैक्टर में आपको पावर स्टीयरिंग और मैकेनिकल स्टीयरिंग का ऑप्शन मिलेगा, आप अपनी पसंद का ले सकते हैं। चलो बात कर लेते हैं इन दोनों ट्रैक्टरों के PTO की, तो किसान भाइयों, इन दोनों ही ट्रैक्टर में आपको 6 स्प्लाइन की PTO मिलेगी, जो कि 540 चक्कर के साथ में होगी और मल्टी स्पीड रिवर्स PTO का ऑप्शन आपको महिंद्रा यूवो 575 DI और पावर ट्रैक यूरो 45 इन दोनों ही ट्रैक्टरों में मिल जाएगी। और रही बात अगर PTO पावर की, तो महिंद्रा यूवो 575 में आपको 41 HP की PTO पावर मिलेगी और पावर ट्रैक यूरो 45 में आपको 38 HP की PTO पावर मिलेगी। यहाँ पे
P2HP भी महिंद्रा यू 575 में आपको ज़्यादा मिल जाएगी। अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो महिंद्रा यू 575 DI में आपको 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और पावर ट्रैक यूरो 45 में 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। टोटल वेट की अगर बात करें दोनों ही ट्रैक्टरों का वेट कितना है तो महिंद्रा यू 575 DI किसान भाइयों 2020 किलो का है और वहीं पावर ट्रैक यूरो 45 2000 kg का है। तो यहाँ पे वेट लगभग दोनों ही ट्रैक्टरों का बराबर है, केवल 20 kg का अंतर आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर लिफ्ट की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टर 1500 kg की लिफ्ट के साथ में हैं और महिंद्रा यूओ में आपको ADDC लिफ्ट मिलेगी और पावर ट्रैक यूरो 45 में आपको सेंसी लिफ्ट मिल जाती है। अगर बात करें इन दोनों ही ट्रैक्टर के टायर की तो पावर ट्रैक यूरो 45 में आपको फ्रंट टायर 616 के और रियर टायर 13/6/28 के मिलते हैं और 14/9/28 के भी टायर आप ऑप्शनल ले सकते हैं। वहीं महिंद्रा यूओ 575 DI में भी आपको सेम टायर साइज़ मिलेगा, फ्रंट टायर 616 के और रियर टायर 13/6/28 और 14/9/28 के ऑप्शन में मिल जाते हैं। अगर बात करें इन दोनों ट्रैक्टरों की वारंटी की तो किसान भाइयों महिंद्रा यूओ 575 DI पे आपको 2 साल की वारंटी मिलती है या 2000 घंटे की और पावर ट्रैक यूरो 45 पे आपको 5 साल की वारंटी मिलती है या 5000 घंटे की, जो भी पहले हो जाए। और बात करें अगर इन दोनों ही ट्रैक्टरों के ऑन रोड प्राइस की तो किसान भाइयों महिंद्रा यूओ 575 DI आपको जहाँ 6,22,000 से लेकर 6,92,000 रुपये तक का मिलेगा तो वहीं पावर ट्रैक यूरो 45 आपको 6,30,000 से लेकर 6,70,000 रुपये का मिलेगा। केवल 20,000 रुपये का अंतर इन दोनों ट्रैक्टरों में आपको देखने को मिलेगा। किसान भाइयों तो आपको कंपैरिजन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो के साथ।